आज के इस प्रकाशन समारोह में हमारे बीच उपस्थित परम पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत, हमारे डॉक्टर शरद महसेकर जी जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, ऐसे हमारे साथी और विधायक अमित साटम जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले अमित साटम जी का बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहता हूं कि राजनीति जैसे एक बड़े ही व्यस्त प्रोफेशन में कार्य करते हुए भी उन्होंने समय निकालकर इस पुस्तक को लिखा और उड़ान योर फ्लाइट टू हैप्पीनेस, मेक योर पैशन योर करियर, ऐसा एक मंत्र हम सभी तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। और जैसे कि इस पुस्तक के बारे में यहां पर बताया भी गया, मैंने स्वयं भी उसको आंशिक रूप से पढ़ा है और मैं कह सकता हूं कि अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से हमारे सामने रखा है। और निश्चित रूप से हमारी जो नई पीढ़ी है उसको दिशा देने का काम ये पुस्तक कर सकती है। इस पुस्तक में वैसे हमारे मित्र पत्रकार चैतन्य मार्पकवार जी ने जो इसको प्रस्तावना दी है उसमें अमित की पॉलिटिकल जर्नी के बारे में भी उन्होंने कहा है, पुस्तक के बारे में तो कहा ही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक तीसरे व्यक्ति ने जिस प्रकार से अमित को देखा है और हमने भी इतने सालों में जिस प्रकार से अमित को देखा है, वो स्वयं बहुत ही पैशनेट है। और अमित ने भी उसमें जो अपने विचार रखे हैं तो उनका व्यक्तित्व कैसे बनता है ये उनके विचारों से मुझे ध्यान में आया। क्योंकि अमित में दो चीजें हमको दिखाई पड़ती है, जब राजनीति की हम बात करते हैं तो बहुत एग्रेसिव है, एक एग्रेसिव राजनेता के रूप में उनको हम लोग देखते हैं, अपनी बात को पैशन के साथ, एग्रेशन के साथ, विचारों को अपने प्रतिपादित करते समय एक आवेश उनमें होता है। और वही उनके पर्सनल लाइफ को हम देखें या एक प्रकार से गैर राजनीतिक रूप में उनको देखें तो एक बहुत ही कामनेस, एक बहुत जिसको हम कह सकते हैं कि एक शांति उनमें हमको दिखाई पड़ती है। इसका कारण जब मैं उनकी प्रस्तावना पढ़ रहा था तो मेरे ध्यान में आया कि बचपन में वो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते थे और उनका फेवरेट बैटर ये कृष्णमाचारी श्रीकांत थे। तो जिसका फेवरेट बैटर कृष्णमाचारी श्रीकांत होगा वो तो एग्रेसिव होगा ही, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर हो, वेस्ट इंडीज का बॉलर हो, बिना हेलमेट लगाए ऐसे फास्ट बॉलर्स को छक्के मारने वाले के श्रीकांत, जिनके मन में कभी डर नहीं था, निडर होकर जो बैटिंग करते थे, उनसे इंस्पिरेशन पाएंगे तो निडरता भी आएगी और एग्रेशन भी आएगा। और जैसे जैसे अपने लाइफ में आगे बढ़े तो उन्होंने एक प्रकार से श्री श्री रविशंकर जी को फॉलो करना शुरू किया और एक स्पिरिचुअलिटी उनमें जो तैयार हुई वो श्री श्री रविशंकर जी से तैयार हुई। और शायद ये जो कामनेस उनमें जो नजर आता है वो कामनेस भी उसी के कारण उनमें, वो जो इंस्पिरेशन उनमें तैयार हुई उसके कारण उनमें वो कामनेस भी हमको देखने को मिलता है। और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे विधानसभा में भी जब मैं लगातार उनको देखता हूं तो गिने चुने ऐसे विधायक होते हैं कि जिनको जिस विषय पर वो बोल रहे हैं उस विषय की पूरी समझ होती है या डीप स्टडी होता है। कई बार आजकल तो हम लोग देखते हैं
कि चूंकि हम जो बोलते हैं वो टीवी पर दिखता है और टीवी वालों ने दिखाया नहीं, तब भी हम उसकी क्लिप बनाकर लोगों पर भेज सकते हैं। तो इसलिए कई बार मैं देखता हूं कि हमारे विधानसभा में आधे भाषण तो इसलिए होते हैं कि हमको उसकी क्लिप बनानी है और लोगों तक भेजनी है, और हमने इस विषय को कहीं ना कहीं विधानसभा में बोला है, इतना लोगों के सामने हमको दिखाना है। लेकिन हमेशा हमारे ओर से जब कोई विषय रखना होता है, चाहे वो हम सत्तारूढ़ पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, तो जो तीन चार नाम हमारी नजरों के सामने आते हैं उसमें से एक अमित आते हैं, क्योंकि अपने विषय को पूरा रिसर्च करके उसके तह तक जाकर और अपने शब्दों का, चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को भी समझे, अपनी बात को भी वो ठीक से रख पाए और जो इम्पैक्ट चाहिए वो इम्पैक्ट भी ले पाए, इस प्रकार का भाषण वे हमेशा करते हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति में, मतलब मैं तो ऐसा कहता हूं कि सबसे ज्यादा इन चीजों की जरूरत आज राजनीति में है कि हम लोग अपने विषयों को समझे, हम लोग समाज के लिए अच्छा क्या है वो समझे और अपनी बात को निडरता के साथ हम रख पाए। और यही एक प्रकार से, चाहे वो कॉरपोरेटर के रूप में उनका काम हो या विधायक के रूप में काम हो, उन्होंने हमेशा नवाचार को, नई चीजें करने को प्राथमिकता दी है। इसीलिए आज मैं देख सकता हूं कि एक लीक से हटकर कई चीजें अपने क्षेत्र में वो करते हैं, उन चीजों का फॉलोअप करते हैं और इसलिए एक अलग प्रतिमा भी उन्होंने बनाई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस सारी प्रतिमा का जो एक प्रकार से, एक व्यक्ति जब तैयार होता है तो उसकी जो जर्नी होती है तैयार होने की, उस जर्नी में जो उनको सीख मिली है वही सीख उन्होंने इस किताब में हमारे लिए लिखी है। इसलिए केवल एक लेखक ने अपने विचारों के बलबूते पर लिखी हुई किताब नहीं है, तो जीवन जो उन्होंने जिया है और जीते समय जो अनुभव उनको आए, उन अनुभवों ने उनको जो सीख दी, उस सीख को अपने शब्दों के माध्यम से प्रतिपादित करने का काम इस किताब के माध्यम से उन्होंने किया है। इसलिए ये किताब रियलिस्टिक लगती है, जब हम पढ़ते हैं तो इसमें से कोई चीज ऐसी नहीं लगती। देखिए, उपदेश देने के लिए तो बहुत बड़े बड़े उपदेश दिए जा सकते हैं, लेकिन उपदेश देने के बाद आदमी ये भी सोचे कि जो मैंने कहा वो प्रैक्टिकली करना संभव है कि नहीं, और जब लगे कि नहीं ये प्रैक्टिकली संभव है, ये किसी ने किया है, ये कोई कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे उपदेश निश्चित रूप से लोगों को भी अच्छे लगते हैं और वो कारगर भी सिद्ध होते हैं। और उसी प्रकार से मुझे लगता है कि इसमें एक आज की जो हमारी पीढ़ी है जिसके सामने कई प्रश्न है, और जिसका उल्लेख यहां पर शरद जी ने भी किया कि एक प्रकार से हम लोग शॉर्टकट से अपने जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हम सभी जानते हैं जिन्होंने जीवन जिया है और जो जी रहे हैं, सभी जानते हैं कि दुनिया में शॉर्टकट होता ही नहीं है। और किसी भी सफल व्यक्ति को जिस प्रकार के चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई बार जब आदमी सफल हो जाता है तो उसकी चुनौतियां लोगों को पता नहीं होती है। तो मैं ये मानता हूं कि हर एक व्यक्ति को, विशेष रूप से हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसको भी ये समझाना बहुत जरूरी है कि देर इज नो शॉर्टकट, चुनौतियां होगी ही, चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा, और चुनौतियों का सामना करके ही आप यशस्वी हो सकते हो। और चुनौतियों का सामना करने का माध्यम क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में बहुत प्रैक्टिकल विचार अमित ने इस किताब के माध्यम से हमारे सामने रखे है। और मैं तो समझता हूं कि अमित इसलिए भी भाग्यशाली है कि इन्होंने ये पहली अपनी किताब लिखी और उसके विमोचन के लिए स्वयं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी यहां पर उपस्थित है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये अमित आपके लिए एक इंस्पिरेशन है कि जिस प्रकार से आपने ये किताब लिखी और अपने विचारों को लोगों के सामने लाया, अब आपको इससे ज्यादा काम भी करना पड़ेगा, इससे ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और ज्यादा अधिक से अधिक लोगों को एक प्रकार से इंस्पायर भी करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से मैंने आपको देखा है, आप सच में जो अपना पैशन है
क्योंकि मैंने आपको उस समय भी देखा है जिस समय आप कॉर्पोरेटर नहीं थे, उस समय भी देखा है जब आप एक चुनाव हारे थे और दूसरे चुनाव की तैयारी कर रहे थे और फिर आप चुनकर आए, तो सचमुच आपने अपने पैशन को अपने करियर के रूप में बनाया। और ये बहुत जरूरी इसलिए है कि देखिए कई बार क्या हो जाता है कि समझ लीजिए, एक मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक एक्स व्यक्ति है जिसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, उसका पैशन फोटोग्राफी है और वो मुख्यमंत्री बन जाए तो प्रॉब्लम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं। तो जिस चीज में पैशन होते हैं उस चीज को अगर हम करें तो निश्चित रूप से उसका फायदा होता है। तो अमित जी आपने एक बहुत अच्छा मंत्र हमको दिया है, इस किताब में मंत्र भी है तंत्र भी है, यानी मांत्रिकों का तांत्रिकों का तंत्र नहीं, तो एक्चुअल जो मंत्र होता है और जो तंत्र होता है, दोनों चीजें अमित ने बहुत अच्छे तरीके से बताई है। तो मैं अमित जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और इसी प्रकार से आपकी जो जीवन की जर्नी है, जो जीवन का प्रवास है, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाए और आप नए नए सोपानों को तय करते रहे, इस प्रकार की शुभकामनाएं आपको देता हूं। और इस अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे भी निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।